प्रिय विद्यार्थियों, आप एमए उत्तरार्ध की नवम प्रश्न पत्र का भाग 5 अपन पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन उपन्यास के दलित विमर्श पर हमने आलोचनात्मक, परिचयात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक दृष्टियों से कुछ अंश पढ़ा। कथा, पात्र और कुछ घटनाओं से हमारा वास्ता हुआ। कथा का प्रवाह देखते ही बन रहा है, गति तीव्र है और हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें पात्रों के, किरदारों के भाव जगत में प्रवेश मिलता है और हमारा तादात्म्यकरण होता है। मैं आपको बच्चों आज एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि साहित्य की दो अभिव्यक्ति के दो प्रकार हैं, गद्य और पद्य। पद्य का अर्थ है कविता, और जब हम कविता पढ़ते हैं तब हम कविता को पीते हैं क्योंकि उससे रस निकलता है और हमारा साधारणीकरण होता है और हम कविता का संपूर्ण भाव लोक अपने भीतर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार गद्य की कुछ विधाओं की भी अपनी एक दृष्टि है, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब हम एकांकी या नाटक पढ़ते हैं तो हम वो पढ़ते नहीं हैं, हम देखते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम उपन्यास या कहानी को पढ़ते हैं तो हम उसे पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं, क्योंकि यह एक श्रव्य विधा है। नाटक, एकांकी, रेडियो रूपक ये दृश्य विधाएं हैं। ठीक इसी प्रकार से कहानी, उपन्यास, लघु कथाएं ये श्रव्य विधाएं हैं, इनका सुना जाता है। और जब लेखक का रचना संसार उसकी सृजन यात्रा में शब्द के वो डग भरता है, कदम जब उठाता है, शब्द में जब अर्थ भरता है, उन अर्थों में जब किरदार की भावनाएँ रूपायित होती हैं, तब वो हमारे सामने एक नए चित्र में, एक नए आकार में, एक नए स्वरूप को लेकर के सामने आती है। और वहीं पर उपन्यास, कहानी, नाटक या कोई भी अन्य विधा फलीभूत होती है। अर्थात उपन्यास को पढ़ने के लिए हमें उसे सुनना भी आवश्यक है, और सुनने से अभिप्राय ये है कि उपन्यासकार वाल्मीकि जी यहाँ पर हमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये अंश बड़ा मर्मस्पर्शी अंश है। साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम न थे, हमने इसे साकार रूप में जीते जी भोगा है। ग्राम्य जीवन की यह दारुण व्यथा हिंदी के महाकवियों को छू भी नहीं सकी, कितनी विभत्स सच्चाई है यह। साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कविता क्या है, साहित्य क्या है, प्रेमचंद ने साहित्य की क्या उपादेयता है, साहित्य जीवन के लिए या कलाओं के लिए, जैसे विषयों पर बहुत सारे निबंध लिखे हैं। आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, वैचारिक निबंध लिखे हैं और विश्लेषण परक निबंध भी लिखे हैं, जिसमें साहित्य के स्वरूप की अभिव्यक्ति हमें कई कई रूपों में प्राप्त होती है। तो ये विभत्स सच्चाई है कि कविता में काल्पनिकता होती है या काव्यों में फैंटेसी होती है और साहित्य की अन्य विधाओं में भी एक लालित्य होता है, लेकिन जब हम उपन्यास, एकांकी या कहानी या लघु कथा या नाटक या रेडियो रूपांतर या लघु काव्य नाटिकाएं पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक नाटकीयता आती है। वहाँ पर हमारा वास्ता जीवन की सच्चाई से, किरदारों की जीवन की घटनाओं में घटने वाली अभिव्यक्ति से, उनकी मनोव्यथाओं से, उनके मानसिक अंतर्द्वंद्वों से, उनके अकेलेपन से, उनकी अजनबियत से, हमें कई कई प्रकार के स्वरूपों से मिलना होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि नायक के जीवन की जो दारुण व्यथा है, वो ग्राम्य जीवन की दारुण व्यथा या केवल उसके आर्थिक तंगी के हालातों से बनी हुई दुर्दशा ही नहीं है, वह मनोव्यथा सामाजिक है, वह मनोव्यथा पारिवारिक है और वह मनोव्यथा व्यक्तिगत है। तो जब हम व्यक्तिगत रूप में देखते हैं
तब यह पात्र हमारे सामने अपनी विशेषताओं को लेकर, अपनी प्रवृत्तियों को लेकर इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र बनता है, वह नायक बनता है, और हमें फिर उसको नायक के रूप में, अभिनेता के रूप में उसको पढ़ना होता है। वह हमारे केंद्र में आ जाता है, पूरी कथा के वृत्त में वो रहता है, और उसके माध्यम से हम लेखक को, लेखक की संवेदना को, लेखक के मंतव्य को, लेखक के सृजन के दायित्व को समझ पाते हैं। कुछ अंश अपन छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पिताजी और ताऊजी अलग अलग रहते थे। एक बार पिताजी ने एक पुराने बक्से से निकाल कर कोर्ट का कागज़ दिखाया था, जिसमें लिखा था कि नीम के पेड़ वाला मकान सुगनचंद वल्द बुद्ध ने छोटनलाल वल्द बुद्ध को बेचा। नीचे गवाहों के दस्तक थे, सरकारी मोहर लगी थी, यानी जिस मकान में हम रहते थे वह पिताजी ने सुगन ताऊ से ख़रीदा था। फिर पिताजी के हिस्से का मकान कहाँ गया, यह सवाल बार बार मेरे मन में उठता था, लेकिन पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ से पूछने पर पता चला कि जिस घर में ताई रहती है वह हिस्सा पिताजी के हिस्से में आया था, लेकिन उस पर ताई ने कब्जा कर लिया था। माँ और ताई में इसी बात को लेकर हमेशा रंजिश रही। पिताजी के चचेरे भाई मोलहड़ का देहांत भी आकस्मिक ही हुआ था। उस समय उनकी उम्र रही होगी 20-22 वर्ष, शादी हो चुकी थी। पूरे परिवार में वे ही थे जो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान रखते थे। उनकी कुछ किताबें कपड़े में लिपटी बैठक के आले में पड़ी हुई थी। आला काफ़ी ऊंचाई पर था। मैंने एक दिन किसी तरह उस आले से किताबें निकाल ली थी। उनमें उर्दू और हिंदी की कथा कहानियों की पुस्तकें थीं। मैंने उर्दू की किताबें तो वापस रख दी थी, लेकिन हिंदी की पुस्तकें पढ़ डाली थीं। एक रोज़ माँ को पता चल गया था। उसने वे तमाम किताबें मुझसे छीन कर कहीं छुपा दी थी। बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली। माँ को डर था चाचा का भूत कहीं मुझे सताने ना लगे। शब्दों का बड़ा आंचलिक प्रयोग है। परिस्थिति के अनुकूल, विषय के अनुकूल और पात्र के अनुकूल जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तब इसे कहते हैं पात्रानुकूल शब्द शैली। भूत प्रेत की छायाओं के प्रति पूरी बस्ती में अजीब माहौल था। जरा भी किसी की तबीयत खराब होती तो डॉक्टर के बजाय किसी भगत को बुलाया जाता था। भगत के शरीर में देवी देवता प्रकट हो जाने पर बीमार को दिखाया जाता था। अक्सर किसी भूत के प्रभाव का जिक्र करने भगत भूत पकड़ने की क्रियाएं करता, जिसके बदले में देवी देवताओं पर सुअर, मुर्गे, बकरे और शराब चढ़ाई जाती। प्रत्येक घर में उन देवताओं की पूजा होती। ये देवता हिंदू देवी देवताओं से अलग होते, जिनके नाम किसी पोथी पुराण में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी भी ऐसे परिवार में चले जाइए जिनका संबंध इस बिरादरी से है, वहाँ इन देवी देवताओं की पूजा देखने को मिलेगी। जन्म हो या कोई शुभ कार्य, शादी विवाह या मृत्यु भोज, इन देवी देवताओं की पूजा के बिना अधूरा है। यहाँ पर इनकी सामाजिक संरचना में ये कर्म कांड, ये अंधविश्वास इस बात का प्रतीक है कि उस समय उनकी अवधारणाओं में कितना अव्यवहारिक ज्ञान था, कितनी सिद्धांतहीन बेबुनियाद बातों ने उनके घर में, उनके मन में बसेरा किया हुआ था, जो कि उनको आगे के प्रगतिशील समाज से, प्रगतिशील सोच से जुड़ने में बाधक के रूप में किसी भी स्पीड ब्रेकर का काम करती थी। इस छोटी सी उम्र में ही चाची विधवा हो गई थी। फिर हम कुछ अंश छोड़ते हैं और देखते हैं। सोचने समझने लायक मेरी उम्र उस समय नहीं थी। लेखक बहुत छोटा था, बचपना था, लेकिन उसके बाद भी उनकी मानसिकता कितनी परिपक्व थी ये देखने वाली बात है। इसी बीच फिर एक हादसा हो गया था। अचानक श्यामलाल चाचा कहीं गायब हो गए थे। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले थे। माँ ने राम कटोरी से बहुत पूछताछ की थी, कुछ तो कह के गया होगा, लेकिन राम कटोरी के पास कोई उत्तर नहीं था। कई महीने बाद श्यामलाल चाचा अचानक आ गए थे, वह भी रात के धुंधलके में। आते ही सोलहड़ चाचा पर चाकू से हमला किया था। सोलहड़ चाचा तो हमले से बच गए थे, लेकिन पिताजी ने श्यामलाल चाचा को दबोच लिया था और उनके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए थे। राम कटोरी माँ के पास दुबक कर बैठी थी, वह बेहद डरी हुई थी। चाचा जमीन पर बंधा हुआ पड़ा था। चाचा माँ को पुकार रहा था, भाभी मुझे छुड़ा दे, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। माँ ने पिताजी के मना करने के बावजूद चाचा की रस्सी खोल दी थी। श्यामलाल चाचा
चला गया था, फिर कभी लौट कर नहीं आया। इस घटना से पिताजी दुखी हुए थे। श्यामलाल चाचा को भी रोकना चाहते थे, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। किसी बात से जी दुखी था तो मन ने कहा होता, यूँ छुरेबाजी पे क्यों उतरा। लेकिन चाचा भी जिद का पक्का निकला, लौट कर मुँह नहीं दिखाया। कुछ ही दिन बाद राम कटोरी ने सोलड़ का हाथ थाम लिया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच खिंचाव आ गया था, जैसे स्नेह के तमाम सूत्र टूट कर बिखर गए हों। राम कटोरी के लिए भी अब पहले जैसा नहीं रह गया था। पिताजी जब तक बैठक में दिखाई पड़ते थे, वह हमारे घर नहीं आती थी, हमारा भी उनके घर आना जाना कम हो गया था। देखिए यहाँ पर संबंध में किस प्रकार दूरी बढ़ती है, किस प्रकार वह आवेश में आ जाता है। जब अभाव व्यक्ति को, आर्थिक तंगी व्यक्ति को घेरती है तो वह भीतर ही भीतर चरमरा जाता है, उसके आवेश पर नियंत्रण कम होता चला जाता है और वह किसी भी प्रकार की कुंठा से, शंका से, क्रोध से घिर जाता है और वह कुंठा, वह आवेश उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं, उसकी सामाजिकता को प्रभावित करते हैं और वह पल भर में ही ऐसी कोई असामाजिकता का शिकार हो जाता है कि विडंबना घट जाती है, एक विसंगति हो जाती है। यहाँ पर संबंध धीरे धीरे खींचता है और अंत में अदृश्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम सामाजिक संरचना के जिस कच्चे खाके को देख रहे हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कोई मजबूत संबंध नहीं है। थोड़ा सा अंश हम छोड़ते हैं, फिर देखते हैं। बिना उत्तर दिए मैं जाने लगा तो उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। डांटते हुए बोला, सुनना है तू पढ़ने में होशियार है। उसने लाठी का एक सिरा मेरे पेट में गाड़ दिया था, करके हमें भी तो दिखा तू कितना होशियार है। यह झगड़े पर उतारू था, मैं झगड़े से बचना चाहता था। मुझे चुप देखकर वह फिर गुर्राया, कितना भी पढ़ लियो रहेगा तो चूहड़ा ही। उसने मुझे लाठी से धकियाया, मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन मेरा झोला ज़मीन पर गिर पड़ा था। उसने उस झोले को लाठी में फंसा कर ऊपर उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, मेरी किताबें बिखर जाएगी, मेरा झोला दे दो, कॉपियां फट जाएगी। वह नहीं माना, उसने ज़ोर से घुमा कर झोला दूर फेंक दिया। मैं उठाने के लिए दौड़ा तो वह कह कह लगा कर हंसने लगा। मेरा झोला सड़क के किनारे खाई में गिर गया था, जहाँ पानी और कीचड़ भरा हुआ था। झोला निकालने में मेरे कपड़े भीग गए थे, पांव कीचड़ में सन गए थे, झोले में किताबें और कॉपियां भीग गई थी, जिन्हें देखकर मुझे रोना आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि वह पढ़ना चाहता है, उसे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से उसे कोसा जाता है और उसे इस बात के लिए विवश कर दिया जाता है कि वह दयनीय हो जाता है। और उसकी दयनीयता यहाँ पर अप्रतिम, दयनीयता की पराकाष्ठा है। लेखक अपने आप में बेबस हो जाता है और देखिए फिर वो कहता है, पिताजी की बेबसी को मैं आज तक नहीं भूल पाया, अब सोहरों मारे जाकर तो अक्षर सीख लेंगे तो थारा क्या बिगड़ जाता। भाषा आंचलिक है, उनके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। बड़ी मुश्किल से बात रफा दफा हुई थी, लेकिन तगाऊँ के प्रति हमारे बगड़ में विरोध का स्वर उभरने लगा, बेगार पर जाने से लोग मना करने लगे। पिताजी जल्दी ही उत्तेजित होकर चिल्लाने लगते थे, माँ डरती थी किसी झंझट में ना फंस जाएं। बच्चों देखिए, अब जब बहुत लंबा समय बीत गया, विरोध और अपमान की पराकाष्ठा आ गई, तब उनके मन में एक रंजिश आ गई और वे विद्रोह पर उतर आए। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले कल की कक्षा में हम इससे आगे के अंश पढ़ेंगे। आप प्रतिदिन की भांति आगे का थोड़ा सा अध्ययन करके रखें ताकि आप उससे परिचित रहें।